एक फिल्म है, घबराओ मत, मैं हूँ भाई हुआंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आदमी का जन्म दम घुटने वाली शक्ति के साथ हुआ है और वो अत्यंत शक्तिशाली है। कहानी की एक इंसान सा ताकतवर आदमियों को मात दे सकता है। बहुत ही रोमांचक, दोस्त जो सब मजबूत आदमियों को हराना चाहते हैं। इसे पढ़ना याद रखें। यह कहना कि विदेश में 300 अकेले भाई हैं। ये तीनों लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। बॉस को समाज का राजा कहा जाता है, दूसरे बच्चे का नाम एरगाजी है, तीसरे को किंदहट कहा जाता है। मेरी माँ की अकाल मृत्यु के कारण ये तीन छोटी गुड़िया बहुत गरीब हैं। खासकर सामाजिक राजा स्वाभाविक रूप से बुरी आत्मा थी, वो क्रूर है। उस दिन एक बड़ा धमाका हुआ था, तीन सामाजिक राजा अलग हो गए हैं। इससे सामाजिक राजा की दुष्ट आत्मा और भी प्रबल हो जाती है। युद्ध की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। एरगाजी एक सुंदर आदमी बन गया है, टोर भी बन गया। मैंने एरगाजी को कुछ देर गाते और नाचते देखा। वह गया कुछ और नृत्य करने वाली दादी के सोने के हार पर रखो, यह सब चोरी हो गया है। फिर एरगाजी ने एक पैसा तैयार किया। विदेश में प्रवास करना चाहते हैं या कुछ और, इस समय खबर है। कहते हैं पुराने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बार एरगाजी ने तुरंत बर्तन को तल लिया, क्योंकि वो पुराने पैसे से भरा हुआ है। ज्यादा गुस्सा करने के कारण एरगाजी कार चला रहा है और पूरे रास्ते तेज कर रहा है। गलती से कार को टक्कर मार दी, और उस कार का ड्राइवर यह दयालु भाई है जो बड़ा हुआ है। दो भाई जब मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। दयालु भाई ने एरगाजी को वर्षों के अपने अनुभवों के बारे में भी बताया। यह पता चला कि अलग होने के बाद नेकदिल भाई को परिवार ने लिया था, विश्वविद्यालय में भी प्रवेश दिया, अब एक बैंक में प्रबंधक। क्योंकि नेकदिल भाई बहुत दयालु होता है, वो हर जगह लोगों की मदद कर रहा है। नेकदिल भाई को भी दामिनी नाम की खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, पर ये नेकदिल वाला भाई कतई नहीं है। इससे नेकदिल भाई बहुत असहज हो जाता है। इस दिन अंकल ब्लैक हॉट नाम का एक शख्स कर्ज लेने आया था, कहा कि पैसे का इस्तेमाल नहर बनाने या गांव वालों के लिए कुछ करने में करें। जब दयालु भाई ने यह सुना तो उसने तुरंत अंकल हेक्सन को 10 मिलियन का कर्ज दिया। अप्रत्याशित रूप से अंकल ब्लैक हॉट बहुत काले दिल के हैं। नहर की मरम्मत में ग्रामीणों की बिल्कुल भी मदद नहीं की, भी ऋण का भुगतान नहीं किया है। यदि ऋण एकत्र नहीं किया जा सकता है, नेकदिल भाई को निकाल दिया जाएगा। भाई शिनेक्सन की कहानी सुने, एरगाजी खुश नहीं है। एक दयालु भाई होने का नाटक करने का फैसला किया, तो एरगाजी ने नेकदिल भाई से कहा। एरगाजी क्रूर बहन नाम की लड़की का पीछा करने में खुद की मदद करती है। जब तक ये दोनों कार्य पूरे हो जाते हैं, बस इसे बड़ा और सुंदर रखो। एरगाजी को पैसे लौटाएं। जब दोनों ने यह सुना तो वे अच्छे मूड में थे। एरगाजी को तुरंत कातिल बहन मिल गई। अप्रत्याशित रूप से कातिल बहन और सामाजिक राजा के बीच दुश्मनी है। एरगाजी में बंदूक पकड़ना आउटपुट का एक विस्फोट है। एरगाजी को इतनी बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन एरगाजी ने सिस्टर क्रुएल को बताया। वो समाज के राजा का छोटा भाई है। जब तक कातिल बहन सामाजिक राजा के प्यार में पड़ने का नाटक करती है, समाज के राजा को मारने का मौका है। क्रूर बहन ने यह सुना, तुरंत राजा के घर आया। सामाजिक राजा के प्यार में पड़ना शुरू करें, आसने की 10 खट्टी भी तैयार की, समाज के राजा को जहर देना। लेकिन हत्यारे बहन की साजिश का पता समाज के राजा को लगा। हताशा में सिस्टर क्रुएल को केवल एरगाजी से प्यार हो गया, बस बच गया। दूसरी ओर नेकदिल भाई स्थानीय लोगों का कर्ज माफ कर देता है। स्थानीय लोगों ने सोसाइटी किंग को वोट दिया। सोसाइटी किंग ने तुरंत अंकल ग्लासेस को मार डाला। इससे अंकल ग्लासेस नाराज हो सकते हैं, समाज के राजा को मारने का मौका ढूंढ रहे हैं। कार्य पूरा करने के बाद समाज का राजा बहुत सुंदर होता है। उसने पैसे भी एरगाजी को वापस दे दिए। इसको अपने दो लोगों को तोड़ा, मैंने कार चलाई और चल दिया, क्योंकि सामाजिक राजा की दुष्ट आत्मा बहुत भारी होती है। दोनों में सामाजिक राजा के साथ रहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अब दोनों यहाँ कुछ ही दूर चले, चाचा चश्मा ने दोनों को छोटे भाइयों के एक समूह के साथ घेर लिया। मैंने देखा कि चाचा का चश्मा ऊपर आ गया और नेकदिल भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह एरगाजी को परेशान करता है। चाचा चश्मा के आदमियों के साथ तुरंत युद्ध शुरू कर दिया। हालांकि एरगाजी की युद्ध प्रभावशीलता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं डकार लेने जा रहा हूँ। इस समय सामाजिक राजा दौड़ पड़े, पूरे शरीर की बुरी आत्मा को मुक्त कर दिया। चाचा चश्मा के छोटे भाई पर उन्मत्त हमला शुरू किया। आउटपुट के कुछ समय बाद चश्मा चाचा के छोटे भाई सब पटक रहे हैं। समाज का राजा चमकता है, अंकल के चश्मों ने भी दिया परिणाम। हालांकि समाज का राजा भी गंभीर रूप से घायल हो गया, तुरंत सांस से बाहर। ऐसे ही दुष्ट आत्माओं का राजा समाज का राजा मेरे दो भाइयों को बचाया, और बस अब से दयालु भाई और बड़ा सुंदर एरगाजी और सिस्टर क्रुएल को साथ मिला। अवर्णीय सुखी जीवन नाटक का अंत है। इस फिल्म को देखने के बाद भाई हुआंग का कहना है, यदि आप दुष्ट आत्माओं से भरे सामाजिक राजा से मिलते हैं, आप उसे क्या करने देंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर यह बड़ा भाई है, उसे भाई हुआंग के साथ खेल खेलने दें। मुझे लगता है कि मुझे हर बार 5 किल मिल सकती है। ओ ओ।